सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी 17 साल के जिगर नाम के एक लड़के के साथ हुए एक हादसे की है। बहुत मेहनतों के बाद जिगर का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हो गया था और वो बहुत खुश था। वो पहली बार अपने गांव से दिल्ली शहर में आया था और उसके लिए वहां सब कुछ नया नया था। जिगर पढ़ाई में तो तेज था, पर क्योंकि वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से था, उसकी इंग्लिश काफी कमजोर थी। प्रोफेसर्स कॉलेज में जो भी पढ़ाते थे वो अपने फोन में उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था और यू डिक्शनरी ऐप से इंग्लिश ऑडियो को हिंदी वॉइस में सुनकर मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड समझ जाता था। धीरे धीरे उसकी इंग्लिश भी काफी बेहतर होने लगी। जिगर अक्सर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता रहता था, पर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की शेल्फ से एक किताब ले रहा था तब अचानक उसे शेल्फ की दूसरी ओर एक डरावना सा चेहरा दिखा, जिसे देखते ही वो चिल्ला उठा और उसके हाथ से वो किताब गिर गई। जिगर की चीख सुनकर एक लड़की उसके पास आई और उसने पूछा अगर वो ठीक है कि नहीं। जिगर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो लड़की बेहद सुंदर थी और जिगर उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया था। उस लड़की ने जिगर से फिर पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। जिगर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उन दोनों की बातें शुरू हो गईं। वो दोनों रोज रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे और एक दूसरे के साथ पढ़ने लगे। जिगर को वो लड़की काफी पसंद आने लगी, पर एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो गई। कुछ दिन तक जब वो लड़की लाइब्रेरी में नहीं आई तब जिगर ने पूरा कॉलेज छान मारा, पर वो कहीं नहीं थी। इनफैक्ट उस नाम की कोई लड़की उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं थी। ये मालूम होने पर वो सीधा लाइब्रेरियन के पास गया और उसने उससे पूछा कि वो जो लड़की उसके साथ रोज पढ़ती थी उसका क्या नाम है और वो कहाँ मिलेगी। तब उस लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि उसने कभी भी जिगर को किसी लड़की के साथ बैठे नहीं देखा। ये सुनकर जिगर के होश उड़ गए। तभी उसे उस लड़की की पुकार सुनाई दी। वो आवाज लाइब्रेरी के उसी कोने से आ रही थी जहां वो लड़की उसे पहली बार मिली थी। वहां वो लड़की शेल्फ की तरफ मुंह करके खड़ी थी। जिगर ने उससे पूछा तुम कौन हो। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जिगर डरता हुआ उसके थोड़ा और पास गया और उसने पूछा कौन हो तुम। तभी उस लड़की ने जिगर को पीछे मुड़कर देखा। वो चेहरा एक चुड़ैल का चेहरा था, जिसे देखते ही जिगर बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से जिगर ने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया। उसे यकीन हो गया था कि उस लाइब्रेरी में उस लड़की का भूत है। उसने स्पेशल रिक्वेस्ट पर अपना कॉलेज तो चेंज करा लिया, पर उस लड़की के चेहरे को वो शायद ही कभी भूल पाएगा।